यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो गुरुग्राम से आ रही है। 23 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप का यहां पर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गैंगरेप करने के बाद युवती का एमएमएस भी बनाया गया, उसे वायरल कर दिया गया। तो गैंगरेप करने के बाद युवती का एमएमएस बनाकर उसे वायरल करने का भी यहां पर मामला सामने आया है। तो फेसबुक फ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया है। यहां पर बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार पहले भी पीड़िता के साथ रेप किया जा चुका है और 2016 से लगातार ब्लैकमेल उसे किया जा रहा है। ब्लैकमेलिंग का भी यहां पर मामला सामने आया। आपको बता दें कि पीड़िता के मंगेतर को न्यूड पिक्चर्स भेजकर उनका रिश्ता भी तोड़वा दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलशन, तो पीड़िता के साथ गैंगरेप का ये जो मामला सामने आया है, एमएमएस भी बनाया गया, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल गुड़गांव के मानेसर इलाके की घटना है, जहां पर एक एमकॉम की छात्रा के साथ एक फेसबुक फ्रेंड ने उसके साथ गैंगरेप किया और अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इनमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि केशव और सुनील नाम के आरोपी हैं, जबकि एक आरोपी अभिषेक की अभी गुरुग्राम पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पीड़िता की माने तो जो उसकी दोस्ती है एक केशव नाम के बंदे से फेसबुक के थ्रू हुई थी और उसके बाद उनकी बातचीत शुरू हुई थी और उसके बाद वो पहली बार जब मिले थे तो वो उसे डहला कुछ ला करके 2016 में एक कमरे में ले गया था। उसके बाद उसने गैंगरेप अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत उस समय गुड़गांव पुलिस को देनी चाहिए तो उन्होंने उस वीडियो को वायरल करने की बात की। उन्होंने कहा कि हमने आपका वीडियो जो है बना लिया है जी। और जिसको लेकर के पीड़िता गुड़गांव पुलिस के पास नहीं पहुंची, पर अब जब जाके पीड़िता की सगाई हुई तो उसके मंगेतर को जो उसकी न्यूड पिक्चर थी उसे जो है उसको भेज दिया और उसके बाद उसका रिश्ता तोड़वा दिया। इस बात से पीड़िता तंग आकर पीड़िता ने मानेसर के महिला पुलिस स्टेशन में मामला जानकारी दी और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उसने दो आरोपी केशव सुनील को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की तफ्तीश अब गुड़गांव पुलिस कर रही है कि आखिरकार इस वारदात को इन आरोपियों ने क्यों अंजाम दिया और इसके पीछे और किसकी साजिश है। जी बिल्कुल गुलशन, तो ब्लैकमेलिंग का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला सामने आया है। पुलिस की ओर से भी जांच की जा रही है, लेकिन अगर परिजनों से बात की जाए, जो पीड़िता के परिजन है, उनसे बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया है कि उन्हें पहले से इस बारे में जानकारी थी कि उनका कोई फेसबुक फ्रेंड है, इस बारे में परिजनों का क्या कहना है? देखिए, इसमें परिजनों का यही कहना है कि पीड़िता के परिजनों की माने तो पीड़िता ने आज तक इस पूरी बात को घर पे नहीं बताया था, लेकिन अब जब पीड़िता की कुछ महीने पहले जो है सगाई हुई थी तो उस बात में उसके जो तीनों जो लोग थे, जो तीनों आरोपी थे, उन्होंने उसका न्यूज जो फोटो है वो मंगेतर को भेज दिया और उसके बाद उसका रिश्ता तोड़वा दिया। जब ये आती थी उसने अपने परिवार वालों को बताई तो अब जाकर के परिवार वालों ने पीड़िता को साथ लेकर के महिला मानेसर के महिला पुलिस थाने में गए और अपनी आपत्ति दिखाई और उसके बाद जो मानेसर महिला थाना की जो एसएचओ है पूनम सिंह, उन्होंने उसने तीन युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया और उसके बाद दो युवकों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और इसमें एक जो अभिषेक नाम का युवक है वो अभी फिलहाल फरार है। जो ये युवक है ये मानेसर के पास में ही एक गाँव है नवादा, वहाँ के वो रहने वाले हैं और फिलहाल जो है तीसरे आरोपी जो अभिषेक है उसकी फिलहाल अभी गुड़गांव पुलिस तलाश कर रही है। चलिए गुलशन ग्रोवर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फेसबुक फ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया, यहाँ पर 23 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप का यहाँ पर मामला सामने आया है और गैंगरेप करने के बाद युवती का एमएमएस भी बनाया गया है।